हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गैस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले नी पेन के बारे में। तो गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नी पेन को लेके ऐसे कुछ छोटी छोटी गलतियाँ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, जो गलतियाँ हम डे टू डे लाइफ में जब चेयर के ऊपर बैठते हैं, चाहे फिर वो घर में हो, ऑफिस में हो या बाहर कहीं हो या ज़मीन के ऊपर बैठते, तो उस टाइम हम बैठने के टाइम पे हमारे पोस्चर में या हमारे बैठने के स्टाइल में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को एक तो नी पेन शुरू हो सकता है और अगर ऑलरेडी हमें नी पेन है तो नी पेन बढ़ सकता है। तो गाइस काफ़ी सारे लोग कंसल्टेशन में सवाल भी पूछते हैं कि सर मुझे नी पेन है तो उस टाइम मुझे कैसे बैठना चाहिए, कैसे चेयर के ऊपर या ज़मीन के ऊपर कैसे बैठना चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको नी पेन अभी हो रहा है और वो जानना चाहते हैं कि नी पेन में उन्हें कैसे बैठना चाहिए। इसके साथ जिन लोगों को नी पेन नहीं है बट वो चाहते हैं कि आगे जाके हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमें नी पेन ना हो, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी नी पेन से बचा सकता है। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो नी पेन में बहुत कॉमन चीज़ होती है कि हम कैसे बैठना है, क्योंकि जब भी हम बैठते हैं तो काफ़ी लोग जब खड़े होने की कोशिश करते हो एकदम से नी पेन होने लगता है, नी लॉक हो जाता है, या चलते दो तीन कदम जब चलते उठने के बाद तो उनको चला नहीं जाता, बैलेंस चला जाता है। तो उस टाइम काफ़ी सारे लोग ये पोस्चरल गलतियाँ करते हैं जिनको पता नहीं होता। तो ये वीडियो उन लोगों को आज मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि जब आप चेयर के ऊपर बैठते हो तो आपको कैसे बैठना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, उसके साथ जब हम ज़मीन पे बैठते हैं तो उस टाइम हमें कैसे बैठना चाहिए और कैसे नहीं बैठना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में आपको आज मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले जब हम चेयर के ऊपर बैठते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो घर पर चेयर पर सोफे पर कभी भी बैठते हैं ना, आप एक चीज़ नोटिस करी होंगी, लोगों को ऐसे बैठने की आदत होती है। ये जो पोजिशन होती है ये आपके नी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जिन लोगों को नी पेन है उन लोगों को तो इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं बैठना, क्योंकि इस पोजीशन में आपके नी में जो रोटेशनल प्रॉब्लम शुरू होते हैं, इसके साथ आपका अगर आप पैर को ऐसे ऊपर रखते हो ना तो आपके हिप में एक्सटर्नल रोटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को ग्लूट में, हिप में पेन होना भी शुरू हो सकता है। इसलिए ये गलत पोजीशन आप लोगों को नी के साथ साथ हिप पेन, बैक पेन दे सकती है। इसलिए आज से ही आपको इस पोजीशन में बैठना बंद कर देना है। अगर आपको नी पेन नहीं भी है भी, दोनों कंडीशन में आपको इस पोजीशन में बैठना बंद कर देना है। तो ये था फर्स्ट मिस्टेक जो लोग बहुत कॉमनली करते हैं। आप किसी भी 10 लोगों का स्टडी करो, उसमें से 6 से 7 लोग आपको ऐसे बैठे हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज़ होती है, दूसरी गलती हम क्या करते हैं, स्पेशल लेडीज़ की मैं बात करता हूँ, लेडीज़ इस पोजिशन में बहुत ज़्यादा बैठती है। वो जब चेयर के ऊपर बैठती ना तो उनको ऐसे क्रॉस लेग सेटिंग पोजिशन में बैठने की आदत होती है ऐसे, ठीक है। तो अगेन ये पोजीशन भी आपके नी के लिए, उसके साथ आपके हिप के लिए, दोनों ज्वाइंट के लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। इसमें भी आपके नी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है और इसके वजह से आपके नी के अराउंड जो लिगामेंट होते हैं उसके ऊपर स्ट्रेच आ जाता है, मसल के ऊपर स्ट्रेच आ जाता है, हिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये पोजिशन, स्पेशल लेडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों को इस पोजिशन में बैठना अवॉइड करना चाहिए। ये था सेकेंड मिस्टेक जो हम चेयर पर करते। या कुछ लोग होते हैं जो थर्ड मिस्टेक जो करते हैं, स्पेशली जब वो सोफे पे बैठते हैं तो उस टाइम लोग क्या करते हैं ना, इस पैर को ऐसे मोड़ के फिर इसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं। अब देखो लोगों को ऐसा बैठने की बहुत एक गलत आदत होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, मेरे नी में हाइपर फ्लेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन हो रहा है। उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इस पैर को जब इस पैर के नीचे लेता हूँ, हिप के नीचे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मेरा हिप जो होता है इस साइड से ऐसे उठ जाता है। अब जैसे ही उठ जाता है ना तो ट्विस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हिप अलाइनमेंट जो होता है हमारा, जो नॉर्मल होना चाहिए, उसमें इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। और ये इम्बैलेंस आपको नी पेन के साथ आपको हिप पेन भी बहुत ज़्यादा दे सकता है। इसलिए ये पोजीशन आपको एकदम से अवॉइड करनी। लोग बेड के ऊपर बैठते या सोफे के ऊपर जब बैठते हैं टीवी देखने के लिए, या काफ़ी बार मैंने देखा लोगों को खाना खाते टाइम भी ऐसी पोजिशन बैठने की आदत होती है, तो ये पोजिशन आपको कंपल्सरी अवॉइड करनी है गाइज। तो ये थे वो तीन पोजीशन जो आपको नी पेन और हिप पेन दे सकते हैं, बट स्पेसिफिकली नी पेन में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब सवाल आता है कि हमें बैठने कैसे चाहिए, कैसे बैठना चाहिए चेयर के ऊपर। सिंपल है, आप चेयर के ऊपर जो बैकरेस्ट होता है उसको बैकरेस्ट करिए, पूरा पूरा पीछे जाके बैठ जाइए, दोनों पैरों को नॉर्मलाइज रखिए, ठीक है। अब काफ़ी बार एक चीज़ में और नोटिस करता हूँ लोगों की, लोग जब चेयर के ऊपर बैठते ना तो उनकी नी ऐसे बाहर की तरफ होते और पैर जो होते ना ऐसे नीचे से उड़ जाते हैं और ऐसे टेढ़े बैठते हैं ऐसे लोग।
तो अगेन इसको भी आपको कंपलसरी अवॉइड करना है। ऑलरेडी वो हमारे हिप में एक्सटर्नल रोटेशन डोमिनेंट होता है, अगर आप ऐसे बैठते हो तो आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको नी पेन के साथ स्पेसिफिकली आपको जो साइड वाला नी पेन होता है वो और हिप पेन हो सकता है। तो ये भी आपको अवॉइड करना है जो आप लेग को स्प्रेड करके बैठते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, बस पैरों को नॉर्मल 90 डिग्री मेंटेन करके सीधा रखना है और आपके जो टोज होते हैं ना उसको टोज को अंदर की तरफ लेना है, हील को थोड़ा बाहर की तरफ लेना है। तो ये जो ए पोजीशन होती है, ए पोजीशन, इस पोजीशन में आपके फिट होनी चाहिए और आपको आराम से ऐसे बैठ जाना है। इनिशियली आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि हमें आदत नहीं होती, ऐसे हम बैठते ना तो आपके बैक में थोड़ा बहुत पेन शुरू हो सकता है, नी में थोड़ा अजीब सा लगेगा, एंकल में अजीब सा लगेगा, बट धीरे धीरे आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपके जो भी ज्वाइंट का अलाइनमेंट होता है हिप से लेके नी एंकल तक वो पूरा सीधा रहने में हेल्प होगी और आगे जाके आपको नी पेन, एंकल पेन, हिप पेन कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस ये थे वो सारे गलत पोजीशन जो अभी हमने देखे कि हम चेयर के ऊपर बैठने के बाद कैसे करते हैं। तो आज से इस वीडियो देखने की इमीडिएट बात, आप ये सारे पोजीशन जो मैंने आपको बताया जो नहीं करनी चाहिए उसको बंद कर दीजिए और देखिए आपके नी पेन में कितना इंप्रूवमेंट होता है। अब हम देखते हो नीचे वाले जो जमीन के ऊपर बैठ के हम क्या गलतियां करते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नी पेन में। तो गाइज अब हम देखते हैं वो गलतियाँ जो गलतियाँ हम जमीन पे बैठने के बाद करते हैं नी पेन की कंडीशन में। वैसे तो आजकल जमीन पे बैठने का काम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, हम हमेशा चेयर यूज़ करते हैं, कुर्सी यूज़ करते हैं, बट काफ़ी बार होता क्या है जब लोग पूजा पाठ करने के लिए नीचे बैठना पड़ता है, किसी फंक्शन में जाते तो वहाँ पर बैठना पड़ता है, किसी इवेंट में जाते तो काफ़ी बार चेयर्स नहीं होते तो आपको नीचे ज़मीन पर बैठना पड़ता है। तो सबसे पहली गलती, अब ये गलती मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को नी पेन है। अगर आपको नी पेन है, आपके में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई भी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको घुटने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होता है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहला जो बैठने का, जमीन के ऊपर बैठने का जो चीज़ या जो पोजीशन होती है वो अवॉइड करनी होती है ये वाली जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। इसको हम बोलते हैं सिटिंग पोजीशन, क्रॉस लेग सिटिंग पोजीशन, चौंकड़ी मार के बैठना। अब ये जो पोजीशन होती है ये उन्हीं लोगों के लिए एडवाइजेबल होती है जिन लोगों को नी पेन बिल्कुल नहीं है, जिनके नी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनको बिल्कुल नी पेन का प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं वो लोग इस पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं, बट जिन लोगों को नी पेन है, अर्थराइटिस हो, कोई भी नी की कंडीशन हो, जहाँ पे लिगामेंट का प्रॉब्लम हो, सूजन हो, स्वेलिंग हो, उन लोगों को, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं स्पेसिफिकली उन लोगों को इस पोजीशन में नहीं बैठना। तो आप ध्यान रखिए इस पोजीशन का। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हमें यहाँ पे पूजा पाठ के लिए थोड़ी देर को बैठना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आप चेयर के ऊपर बैठिए, चेयर के ऊपर भी कैसे बैठने वो भी मैंने आपको दिखाया। अगर आपको नहीं हो रहा है, आपको ज़मीन के ऊपर कंपलसरी बैठना है इस पोजीशन में, आप तो एक 5-10 मिनट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जहाँ पे बैठे हो आपके हिप के नीचे पिलो रखो, एक इतने साइड का पिलो आप इसके ऊपर रखो। जैसे आप इसको पिलो के ऊपर बैठ जाते हो तो आपका हिप जो होता है वो नी ज्वाइंट से ऊपर की तरफ आता है, और जैसे ऊपर की तरफ आता है तो आपके नी में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बट ये 5-10 मिनट के लिए आपको एडवाइजेबल है। अगर आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसे बैठना पड़ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा किसी पिलो या लोड के ऊपर आप बैठिए, ताकि आपका जो हिप होता है वो आपके नी ज्वाइंट से अभी ऊपर की तरफ आएगा। तो एक चीज़ आप कर सकते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप कोशिश करिए 100% इस पोजीशन में ना बैठे। अब इसके बाद जो एक पोजीशन आता है लोगों को जब कहीं वॉकिंग के लिए, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो आप देखा होगा लोगों को ऐसे बैठते हैं इस पोजीशन में बैठ के, बस पैर को ऐसे डाल के बैठते हैं। तो आप हो सके तो ये पोजीशन भी अवॉइड करो। ये आपके नी के लिए तो नहीं, बट आपके हिप पेन के लिए या आपके हिप जॉइंट का जो अराउंड जो पेन होता है, ग्लूट में जो पेन होता है, उसके लिए पोजीशन काफ़ी बार प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा इस क्रॉस लेग सेटिंग पोजीशन में से हमेशा बैठना अवॉइड करना है। ये तो दूसरा मिस्टेक। अब काफ़ी तीसरा जो मिस्टेक होता है जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उसमें होता है ये वाला पोजीशन जिसको बोलते हैं वज्रासन। इस वज्रासन के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर चेक कीजिए। अब ये जो पोजीशन होती है ना, ये पोजीशन आपके नी पेन, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट दोनों के लिए सही नहीं होती। इस पोजीशन में बैठने से आपके नी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, एंकल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो आप हो सके तो अगर आपको नी पेन है तो इस पोजीशन को 100% अवॉइड करना है, इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं बैठना। अगर काफ़ी लोगों को मानना होता है कि लोग वज्रासन में बैठते तो खाना हजम होने के लिए बहुत अच्छा होता है, ये जो भी चीज़ें होती हैं उसके जगह पे आप वॉक करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको नी पेन है ना, अगर आप योगा करते हो, योगा के लिए जाते हो, तो उस टाइम भी ये पोजीशन, ये जो वज्रासन होता है, ये आपको 100% अवॉइड करना है अगर आपको नी पेन है। अगर आपको नी पेन नहीं है तो आप 5-10 मिनट के लिए इसमें बैठ सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। बट नी पेन की कंडीशन में आपको ये वज्रासन 100% अवॉइड करना है, आप याद रखिए अच्छे से। अब उसके देखते हैं लास्ट पोजिशन,
जो काफ़ी लोग गलती करते हैं। अब वो गलती लोग क्या करते हैं ना, लेटने की बात करते हैं। देखो सीटिंग का तो हो गया, अब लेटने के बाद लोग क्या करते, नीको ऐसे रख देते। तो अगेन जो हमने बैठ के गलती की थी वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अगेन हम पैर को इस नी के ऊपर रख रहे हैं। अगेन यहाँ पे नी पे प्रॉब्लम हो सकता है, हिप में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक गलती होती है जो लोग लेटने के टाइम करते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ के ऐसे लेट जाते हैं, या कहीं भी अगर सोफे पे लेटे हो तो ऐसे इस पोजिशन में लेट जाते हैं। तो ये भी आपको 100% अवॉइड करना है। तो गाइस आज मैंने आपको चेयर के ऊपर बैठ के हम क्या गलती करते वो बताया, जमीन के ऊपर हमने क्या गलती करते वो बताया, लेट के हम क्या गलती करते वो भी बताया। तो ये सारे पोजीशंस जो मैंने आपको बोली, ये सारे पोजीशन आपको नी पेन की कंडीशन में 100% अवॉइड करनी है। कोई कुछ भी बोले बिल्कुल मत सुनिए, जहां आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है वो सारी पोजीशन आपको अवॉइड करनी है। तो इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, सोफे के ऊपर आराम से बैठ सकते हो, दोनों पैरों को सीधा रख के चेयर के ऊपर बैठ सकते हो। पूजा पाठ के लिए आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप चेयर ही यूज़ करो, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ कंपल्शन नहीं कि हमें ज़मीन पर ही बैठना होता है। हमारे जॉइंट्स का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम चलेंगे फिरेंगे अच्छा रहेंगे उतने हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो गाइज आई होप आज इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।